एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो है प्रिकॉशंस ड्यूरिंग क्रेन ऑपरेशन। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था ऑपरेशंस के बारे में, क्रेन ऑपरेशंस के बारे में कि हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, सेफ ऑपरेशंस बताया था। आज हम प्रिकॉशंस के बारे में बात करेंगे, है ना, कि हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है क्योंकि हमें सेफ रहना है और वर्क भी हमें विदाउट एक्सीडेंट रखना है। तो हमें कैसे, उसके लिए क्या क्या सेफ्टी रखनी होगी, उस बारे में बात करें, क्या क्या हम प्रिकॉशन लेने होंगे। तो देखिए, क्रेन और क्रेन की जो एसेसरीज रहती है, क्रेन एसेसरीज जो हैं, उनको हमें गुड कंडीशन में रखना है। ठीक है, उसके बाद हमेशा एक स्टिकर अपडेट करना है एवरी 3 मंथ्स। हर 3 महीने बाद हमें एक स्टिकर लगाना है वहाँ पर कि क्रेन के जो भी पार्ट्स हैं वो एकदम गुड कंडीशन में हैं, मतलब इंस्पेक्शन करना उनका। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपको, देखिए ये हम वैसे कर क्यों रहे हैं ये सारी चीज़ें, ताकि जो भी हमारे ऑपरेशन हैं वो फेल ना हो किसी एक्सीडेंट की वजह से। तो हमारी ये प्रिकॉशंस हैं उसके लिए कि हम कोई भी अगर काम करने जा रहे हैं तो हमें कोई एक्सीडेंट फेस ना करना पड़े। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, यही कह रहा है वो कि हमें जो भी क्रेन ऑपरेटर है, अगर कोई लीक्स हो रहे हैं, स्पेशल प्रिकॉशंस अगर चाहिए तो उसे तुरंत प्रोवाइड कराए जाएं। जो भी वेट है वो पता होना चाहिए मटेरियल का, कि उस मटेरियल को कितने वेट का है, हमें उसको क्रेन पे कितने वेट का हमारी क्रेन हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जो भी उसके जो भी रिंग होती हैं, हुक होते हैं, वो हमें चेक करना है कि कितना लोड बेयर कर सकते हैं। ठीक है, साथ में हमें ये भी देखना है कि जो भी उसे ऑपरेट कर रहा है क्या वो एक्सपीरियंस्ड पर्सन है या नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी प्रिकॉशंस में आती हैं, ये सारी चीज़ें हम सबसे पहले चेक करते हैं। नेक्स्ट हमको इस तरीके से भी चेक करना ऑपरेशनल सेफ्टी है ये हमारी, कि हमारी जो भी रिंगिंग्स हैं वो गुड कंडीशन में हैं, और फिर उसके बाद उनकी प्रैक्टिस भी करना, मतलब तो कैसे सामान जो भी है हैंग करना है, वो सारी चीज़ें। लोड और साइज़ हमें पता होना चाहिए, शेप और वेट हमें पता होना चाहिए, कितना वेट हमें उस पर बेयर करवाना है और कितना साइज़ और क्या शेप है उस मटेरियल का, है ना, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी हमें जब पता होंगी तभी हम उसका इंस्पेक्शन कर सकते हैं। ये एक तरीके का इंस्पेक्शन है जिसके बाद आपका और वर्क उस पर शुरू होगा और सारी जो भी सेफ्टी है वो इसी बेसिस पे रखी जाएगी, है ना। तो पहले जो JSA करते हैं किसी वर्क को करने से पहले, जॉब सेफ्टी एनालिसिस, ऐसे ही इसकी सेफ्टी कर रहे हैं, उसके लिए प्रिकॉशंस दी जा रहे हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन सेफ्टी का ये टॉपिक है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन सेफ्टी चल रही है अभी, तो उसमें मैंने आपको देखिए कल जो बताया था बिल्कुल सिमिलर उसी की तरह है, बस सेफ ऑपरेशन ऑफ क्रेन बताया था कल और आज प्रिकॉशंस बताए हैं कि जब हम क्रेन ऑपरेशन कर रहे हो तब क्या क्या प्रिकॉशन हमें लेने हैं जब हम ऑपरेशन क्रेन का कर रहे हैं, तो है ना। तो देखिए, इस तरीके की हमें सेफ्टी रखनी होगी। नेक्स्ट ये देखिए, जब भी आप कोई लोड उस पर बेयर करवा रहे हैं हुक पे, तो इस तरीके से आपको बेयर करवाना है, जो भी हुक है उस पर लोड रखने के बाद उसकी साइड लोड्स जो भी हैं उन्हें मिनिमाइज़ करना, लोड स्विंग करना, मतलब लोड जो है वो ऐसा इधर या उधर की तरफ झुकना नहीं चाहिए, सिमिलर रहना चाहिए, दोनों तरफ से उसकी पोजिशन ठीक से रहनी चाहिए, जो कि मैंने आपको कल भी बताया था। ठीक है, यही बताया था कि देखिए, जब भी आप कोई मटेरियल उस पर रखते हैं तो मटेरियल कभी इस साइड या कभी उस साइड नहीं गिरना चाहिए, वो बीच में मीडियम में ही रहे। ठीक है, अगर वो मीडियम में रहता है तो क्या होगा, मीडियम में अगर रहेगा तो सामान जो है ले जाने में ज़्यादा ईजी रहेगा। जैसे कि इस तरीके से इस पर जो भी सामान टंगा हुआ है, बिल्कुल इसी तरीके से आपको ऑपरेशन करना है। प्रिकॉशन यही है पहला उसका, कि इस तरीके से अगर आप सामान उस पर रखते हैं तो वो इधर उधर नहीं गिरेगा, तो कहीं ना कहीं आप चोट लगने से बहुत हद तक बच सकते हैं। उसके बाद एक चीज़ और है कि आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप ये जो लोड बेयर कर रहे हैं, लोड जैसे कि किसी क्रेन पे लोड बेयर है, ठीक है, इंजन भी चालू है, और ऐसा ना हो कि उसका जो ऑपरेटर है, जो उसको ऑपरेट कर रहा है क्रेन को, वो ही कहीं चला जाए, तो ऐसी मिस्टेक कभी भी नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि क्या पता कब उसमें कोई और आके उसको कुछ भी करे, तो उसके बाद क्रेन जो है वो आगे बढ़ जाए और एक्सीडेंट हो जाए। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखिए उसे ओवरलोड नहीं करना है, जितना लोड वो बैर कर सकते हैं उतना ही लोड उस पर रहने देना है।
ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ प्रिकॉशंस बताया उसके कि आप कैसे सेफ्टी रख सकते हैं, जब भी प्रिकॉशन आप ले सकते हैं जब क्रेन ऑपरेशन कर रहे हों। तो क्रेन ऑपरेशन के देखिए वैसे तो कोई इतने बड़े वो नहीं है प्रिकॉशंस, पर छोटी छोटी चीज़ें ही अगर आप चेक करते हैं ठीक से तो आप एक्सीडेंट से बच सकते हैं, और सच में होने वाले एक्सीडेंट्स इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से भी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको प्रिकॉशंस ड्यूरिंग क्रेन ऑपरेशन में बताया, कंस्ट्रक्शन सेफ्टी का ही टॉपिक था, बाकी कंस्ट्रक्शन सेफ्टी का तो था पर ये सभी के लिए ये कॉमन टॉपिक है कि जैसे कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी वगैरह, क्योंकि वहाँ भी इंडस्ट्रियल में भी इंडस्ट्रीज़ में भी बहुत सारा सामान जो है लिफ्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, क्रेन्स यूज़ नहीं की जाती पर वहाँ फॉर्कलिफ्ट वगैरह यूज़ किया जाता है। ठीक है, और ऐसा भी होता है कभी कभी कोई बहुत बड़ा सामान है तो उसके लिए क्रेन्स भी बुलवाई जाती है, तो सिमिलर टॉपिक है ना। सो थैंक यू।